हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल स्मार्ट टैक प्लेटफॉर्म। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग पीएम किसान सम्मान निधि योजना के बारे में बात करने वाले हैं। फ्रेंड्स, पीएम किसान सम्मान निधि योजना में अगर आपने अप्लाई किए हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ फ्रेंड्स, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 5वीं किस्त जारी कर दिया गया है। बहुत सारे किसान भाइयों का आ गया और बहुत सारे किसान भाइयों का मतलब आने वाला है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाएंगे कि एक किसान भाई का 5वीं किस्त आ गया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए और अभी तक आपने हमारे चैनल स्मार्ट टैक प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। और अगर आपको पीएम किसान रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, हम उसका जवाब आपको जरूर देंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको एक किसान भाई का स्टेटस दिखाते हैं। स्टेटस चेक करने के लिए आपको पता ही है पीएम किसान का जो ऑफिशियल वेबसाइट है pmkisan.gov.in, इसमें आना पड़ता है। फिर आपको फार्मर कॉर्नर पर क्लिक करना पड़ता है। इसमें क्लिक करने के बाद आपको तीसरे नंबर ऑप्शन पर मिल जाएगा बेनिफिशरी स्टेटस, इसमें आपको क्लिक करना है। ये वाला ऑप्शन पर आपको क्लिक करना पड़ता है। इसमें क्लिक करने के बाद आपको 3 ऑप्शन मिल जाते हैं। आधार नंबर, अकाउंट नंबर और मोबाइल नंबर, तीनों में से किसी एक को यहाँ पर डालकर अब जब गेट डाटा पर क्लिक करते हैं तो आपको स्टेटस शो होने लगता है। तो चलिए किसान भाई का स्टेटस आपको दिखा देते हैं। ये एक किसान भाई का स्टेटस हम पहले ही खोल लिए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर नाम दिया हुआ है सुरजीत सिंह। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेट दिया हुआ है, विलेज दिया हुआ है, अकाउंट नंबर का 4 डिजिट, आधार नंबर, डिस्ट्रिक्ट सब कुछ दिया हुआ है। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट किया हुआ है, फार्मर रिकॉर्ड हैज़ बीन एक्सेप्टेड। फिर यहाँ पर आधार भी वेरीफाई है, रिस्पॉन्स डेट भी दिया हुआ है। फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 5th इंस्टॉलमेंट यहाँ पर आपका आ गया है। यहाँ पर 5th इंस्टॉलमेंट पहले नहीं था। यहाँ पर आप देख सकते हैं पेमेंट स्टेटस में वेटिंग फॉर अप्रूवल, मतलब 5th इंस्टॉलमेंट आने वाला है इनका। बहुत सारे किसान भाई का आ गया है, बहुत सारे किसान भाई का आने वाला है। इनका 1st इंस्टॉलमेंट आ चुका है, 2nd भी आ चुका है, यहाँ पर देख सकते हैं 3rd भी आ चुका है, 4th भी आ चुका है। यहाँ पर 4th का डेट 2/1/2020 मतलब 2 जनवरी को इनका आया है। फिर जो है 5th इंस्टॉलमेंट का पहले ऑप्शन नहीं था, ऑप्शन 1-2 दिन पहले ही आया है, कल ही आया है ये वाला ऑप्शन, कल ही आया है, पहले ऑप्शन नहीं था। यहाँ पर क्रेडिट, तो 5th इंस्टॉलमेंट उन्हीं का आएगा जिनका 4th इंस्टॉलमेंट आ चुका है। ये वाला जिनका आ चुका है 5th इंस्टॉलमेंट उन्हीं का आएगा, 4th इंस्टॉलमेंट जिनका आ चुका है। जिनका 4th इंस्टॉलमेंट नहीं आया है उनका 5th इंस्टॉलमेंट नहीं आएगा। उनका जब तक 4th इंस्टॉलमेंट नहीं आता है उनका 5th इंस्टॉलमेंट नहीं आएगा। अप्रैल के 1st वीक में जिनका 4th इंस्टॉलमेंट आया है उनका अप्रैल के लास्ट में 5th इंस्टॉलमेंट आएगा। जिनका 4th इंस्टॉलमेंट मार्च तक आ गया है उनका 5th इंस्टॉलमेंट अप्रैल का 1st वीक में आ जाएगा। जिनका 4th इंस्टॉलमेंट पहले आ चुका है उनका 5th इंस्टॉलमेंट बहुत जल्द 1-2 दिन के अंदर ही भेज दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अभी तक आपने हमारे चैनल स्मार्ट टैक प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कॉमेंट जरूर कीजिए। थैंक्स।